بسم اللہ الرحمن الحمد رب बसमरिम अलहदिल्लरबीन वसलाम सैदिल्बिया इबालमसलिन मौजूद नाज्रीन अल्हदल्ला आज की इस नशिस्त में सत्तईसवें पारे का आगाज़ किया गया है और सत्तईसवें पारे के पहले रुबो की तलावत की गई है और जैसा कि गुज्त कल की नशिस्त में हमने बयान किया था इख्तिताम पर के सतुलजारियात की तलावत का आगाज़ किया गया है छब्बीसवें पारे के अख्ताम पर सूरतारियात शुरू होती है और सत्ताईसवें पारे में उसका अख्तितम है तो आज की जो तिलावत है आयत नंबर इकतीस जारियात से शुरू की गई है जारियात तो मक्की सूरत है कुल तीन रुकू हैं और साठ आयतें हैं कल के तिलावत में जारियात की तीस आयतें तिलावत की गई और आज उसकी बकिया तीस आयात की तिलावत की गई है और इसके साथ साथ आज की इस तिलावत में आज की इस नशस्त में सूरत तूर की भी तिलावत की गई है और सूरत नजम का भी कुछ हिस्सा तिलावत किया गया है नाजरीन अगर हम जारियात के मजामी पर गौर करें तो कल की नशस्त में जब इख्ताम पर हमने बयान किया कि हज़रत सैदान इब्राहीम खलील आल्लम के पास फरिश्तों कुछ फरिश्तों का ग्रोह हाज़िर हुआ हज़रत इब्राहीम उनकी दावत करने में मशगूल हुए आ, लेकिन बाद में भी जब यह बात वाजह हो गई कि अल्लाह के मलाये हैं अल्लाह के फरिश्ते हैं और वो औलाद की भी खबर लेकर आए और फिर उसके साथ साथ जो एक और उनका बुनियादी मकसद था कि वो हजरत इब्राहिम आलाम के पास कौम लूत के लिए अजाब की ख़बर लेकर आए थे तो आज की इस तिलावत का जो आगाज़ हुआ है वो इसी बात से कि कॉलफम ख़त बुकुम अय्यूलमरसलून हज़रत इब्राहीम ने उनसे फ़रमाया कि तुम लोगों का क्या मामला है क्या आने का मकसद है ए अल्लाह के भेजे हुए मलायक अय्यूहलमरसलूलू उन्होंने फिर अपना पूरा मकसद बयान किया और इन आयात में दरअसल जो पैगाम है उम्मत के लिए तमाम लोगों के लिए वो ये कि वो तमाम कौमें के जो पहले गुज़र चुकी हैं और उन पर मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ किस्म के अजाब नाजिल हुए हैं उन आयात को पढ़ कर हम भी ग़ौर फिक्र करें अपने अंजाम के बारे में सोचते रहें और उन उम्मतों पर क्यों अजाब आया क्या इसबाब थे क्या वजूहत थी तो इस हवाले से ग़ौर फिक्र करना ये कुरान का बुनियादी मकसूद है और मंशा है बल्कि बारह कुफ़ार कुरैश को खसूस नाजरन ये भी फरमाया गया कि वो जब इन मुख्तलिफ़ कौमों के इलाक़ों से गुज़रें अपने तिज़ारती सफ़र के दौरान तो गुजरते हुए गौर किया करें कि ये वो बस्तियाँ हैं ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर कभी अज़ाब आया कभी ये इलाके आबाद थे उजड़ गए और बेरोनक कर दिए गए तबाह बर्बाद हो गए क्या वजूहत है ये बुनियादी मकसद है आज की इस तलावत में नाजरन कौम लूत पर नाजिल होने वाले अजाब की आ, कुछ बातें बयान की गई हैं इसके साथ साथ फिर हज़र मूसा और फ़िरौन के दरमियान जो मामला पेश आए इसकी तफ़ी हम इससे पहले मुख्तलि मकामा पर बयान कर चुके हैं तो आज की इस तिलावत में कुछ इसका भी जिक्र फ़रमाया वफ़ी मूसा इज अरस ना अला फ़िरउनबुल्तान मुबीन कि हज़रत मूसा के मामले में भी हमारी एक रोशन निशानी मौजूद है कि जब हमने उन्हें फ़िरौन की तरफ एक दलील के साथ रोशन दलील के साथ भेजा कौम आद पर जो अज़ब नाजिल हुआ उसका भी जिक्र है फिर इसके अलावा कौम सम पर जो अज़ब आया कौम नूह का जो मामला हुआ ये तमाम मजामी अख्तिस के साथ अल्लाह ने इस सूरत के अंदर बयान फ़रमाए क्योंकि तफसील जाहिर है कि इससे पहले उन्नीसवें पारे में तो मुस्त, मुस्तकिल रुकुत की सूरत में बयान हो चुकी कद बत समुदलमसलिन कदत आदनसिन कदत कौमलुतिल ये तमाम आयात पहले गुजर चुकी हैं लेकिन इस सूरत में अख्तसार के साथ हमें ये मजामी नज़र आते हैं फिर इसके बाद नाजरीन आज की इस तिलावत में सुरदजारियात का जो आखिरी रुकू है उसमें अल्लाह रब्लम ने अपनी कई नेमतों और कुदरतों का जिक्र फ़रमाया आसमान अगर आज हम पर एक शामियाने के अंदाज़ में तना हुआ है ये ज़मीन एक फ़र्श के तौर पर आज हमारे लिए बिछी हुई है और ये और दीगर गुनागु नमतें तो अल्लाह रब्लम इन तमाम नियमतों को मुख्तफ अंदाज से बयान फ़रमाता है वह समा अब नई ना अब आई दूँ व इन नालों से हूँ यह आसमान हमने अपने हाथों से बनाया हमने अपनी कुदरत से बनाया है व फरश नहा जमीन को हमने बिछाया है फन अमल माहिदून और हम कितने ही अच्छे बिछाने वाले हैं, भान हैं। भान ये तमाम मजामी नियमतें बयान करके फिर अल्लाह रबी ने एक अहम बात बयान फरमा रहा है कि फफिर रूल्ला बस लौट आओ अल्लाह की तरफ यानी ये देखिए ना कि कितना प्यारा अंदाज है मौला खुद अपने बंदों से इतने लुत्फ करम से बात फरमा रहा है कि आओ दौड़े चले आओ भागो यानी किसकी तरफ अल्लाह की तरफ यहाँ पर ने ये जो फफिर रू फरार का जो लफ्ज है भागने का जो लफ्ज है हालांकि चलकर आना भी हो सकता है थोड़ा तेज चल कर आना भी लेकिन भागने का लफ कुरान ने फरमाया ने फरमाया इसकी वजह यह कि शैतान चूंकि चुके ताक में है तो यहाँ पर तो भागना ही बनता है यानी अल्लाह की तरफ तो महज चल कर जाओगे आराम आराम से चलोगे न जाने कितनी मरतबा शैतान पकड़ लेगा कितनी मरतबा इरादे बदल देगा कदम कदम पर चूंकि शैतान चौकन्ना है फरमाया भागते हुए जाओ उसे मौका ही ना मिले बस फसा अंदाजी करने यानी यह भी कुरान का हुस्न है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह भी अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है और शैतान से बचाने के लिए वो इशारे बयान फरमा देता है फिर उसके बाद इस सूरत के एक अहम तरीन आयत जो कि मशहूर ज़माना है आयत नंबर फिफ्टी सिक्स सूरतारत फरमाया के मकसद तख्लीक़ बयान कर दी हम क्यों पैदा किए गए हैं फरमा वमा ख़लतजन्ना वनसा अबूँ फरमाया कि मैंने जिन नोस को पैदा किया है सिर्फ अपनी इबादत के लिए यानी अपनी मारिफत के लिए अपनी पहचान के लिए यहाँ पर नाजरन ये बात समझनी चाहिए कि अल्लाह रब्लम ने हमें ये समझाया और ये बताया कि इबादत इतात फर्माबरदारी नेकी के काम ये असल मकसद है बाकी खाना पीना ओढ़ना बिछोना रहन सहन ये मुआन चीज़ें हैं ज़रूरत की चीज़ें हैं तो हमें चाहिए कि हम इबादत और इतात पर असल तोज्जो दें बाकी चीजों के साथ हमारा उतना ताल्लुक होना चाहिए जितना जरूरत का ताल्लुक हमारे यहाँ उलट हो गया Allah जो चीजें जरूरत की थी उससे असली ताल्लुक कायम हो गया इबादत इताद एक जरूरत की चीज रह गई अगर किसी के यहाँ जनाब अली औलाद नहीं हो रही तो जी दो रकतें उसने पढ़ ली किसी के यहाँ जनाब कोई बेबरकती है उसने कुरान शरीफ पढ़ लिया उसने नमाज इसलिए पढ़ना शुरू कर दी कि जी कामों में रुकावटें आ रही थी किसी ने बताया था नमाज पढ़ा करो नमाजें इताद अगर हम जरूरत की वजह से करने लगेंगे कि हमारी जरूरत है इसका मतलब हम असल में पैदा किए गए खाने पीने के लिए हम असल में पैदा किए गए हैं ऐशो इशरत के लिए नहीं कुरान ने बताया कि इलाबून असल में तुम्हें बनाया गया है अल्लाह के लिए बंदगी के लिए बाकी सब चीजें जरूरत है इंसान की जरूरियात जिंदगी है इन इस फर्क को नाजरीन आज हमें समझने की जरूरत है और इसके साथ साथ फिर सूरत तूर का भी बहुत खूबसूरत आगाज हुआ सूरतर मक्की सूरत नाजरीन दो रुकू है, हैं उनचास आयतें हैं इस सूरत के अगर मजामी की बात करें हम तो वक़ूह क़्यामत की एक तो बात की गई है क़्यामत के वाक़ होने की हक्कानियत और उसके जो भी दलाइल है वो बयान फरमाए उसका मंजर बयान किया है बुत परस्ती और शिरक का रद फरमाया गया क्योंकि ज़ाहिर है के कुफ़ार कुरैश बहुत तेज़ी से इसमें मुबतला थे और बहुत शद्दोमत के साथ मुबतला थे इसका रद्द फरमाया कि बुतों की कोई इबादत नहीं असल इबादत अल्लाह ही की है कुरान की हक्कानियत बयान की ये तीन मजामी नाजरीन हमें बड़े नज़र आते हैं तूर में लेकिन इब्तदाई जो आयतें हैं उन आयात में अल्लाह ने अजाब के वाक होने और क्यामत के वाक होने को बयान करने के लिए कस्मे इर्शाद फरमाए कस्मे भी बड़ी शानदार है तूर को है तुर की कसम वह किताब मस्तूर और किताब मस्तूर यानी वो किताब के जो लिखी हुई है फिर रकी मंशूर खुले हुए सफात में उस किताब की कसम वल बैतिल मामूर बेत मामूर की आगे कसम बस सफ़िल मरफ़ू बुलंद छत यानी आसमान की कसम वल बहर मजदूर उबलते समंदरों की कसम यानी इतनी अजीम कसम नाजरीन और फिर इसके बाद रब्बुल रबालमी फरमाता है कि इन आजाब और अबी का लाक अजाब वाक होकर रहेगा यानी कुफ् चूके इनकार करते थे तो उन्हें ये कस्में इर्शाद फरमाई और इन कस्मों के बाद बयान किया ये कसमें क्यों इर्शाद फरमाई गोया कि अल्लाह रबालमी ने बताया क्योंकि कुफ्ार दरअसल पहले टालते थे इनकार

ना सिर्फ हिला दिया बल्कि उसकी कौम के लिए और फ़िरन के लिए उसकी हुक्मरानी के लिए और उसकी जो भी गुरूर तकबर था उसके लिए वो एक शख्सियत जवाब बन गई तो फिर जिस कोहे तूर की हम कसम खा रहे हैं तो वो एक अल्लाह रबुलामी ही तमाम लोगों के लिए काफ़ी है उससे बजाय इसके लोग खुदा न खासा मुबास्सा करने और अपने आप को उस अजाब के सामने कवि और कुवत के साथ खड़ा करने की कोशिश करें आफ़ियत इसमें है कि अल्लाह रब्बालमी के सामने तवाजो इख्तियार की जाए तो इसलिए को तुर की फिर किताबें मस्तूर क्योंकि सारे हक़ उसमें लिखे हुए हैं तो ये किस तरह इनकार कर सकते हैं और उबलते समंदरों की कसम क्योंकि इन समंदरों की हैबत वक़्वत भी उस के हाथ में है कि जिसने इन्हें पैदा किया तो कुफार फिर क्या कर सकते हैं जब अल्लाह का अजाब आएगा इन तमाम कस्मों में एक हमत है और यह सब हमतों के बाद फिर अल्लाह ने अजाब का मंजर बयान किया और किस तरह ये कुफ़ार फिर उस अजाब में झोंके जाएंगे फरमाए यौ मदाउन इला नहन मदा उन्हें इसके अंदर धकेल दिया जाएगा बाकायदा इसके अंदर उन्हें धक्का देकर डाला जाएगा और उसके अलावा और भी जो जिलत और रसवाई के मनाजिर हैं वो इसमें भी और मख्तल मकाम पर बयान किए गए फिर मतकीिन का मकाम बयान किया कि उनके लिए क्या क्या नमतें हैं फाकेमा आता हूँ नरमाएगा वूब लुत्फ अंदोज़ होंगे बिछे हुए बेड और पलंगों पर तकिया लगाए हुए होंगे मजब्वज ना हूँ बेहरिननेर से उनके निका फरमा दिए हैं या हम उन्हें बयाह देंगे ये और ऐसी बहुत सी नाजन एक तसलसल है वक्त के अख्तिस की वजह से बस मैं इसको मुख्तरा बयान कर रहा हूँ और फिर उसके बाद इसी सूरत केख्ताम पर सरकार

दिफा मुस्तफ़ा करना ये अल्लाह की सुन्नत है इसलिए नामोज रिसालत के तहफ के लिए अगर कोई बात करता है और हमें सबको बात करनी चाहिए ये अल्लाह की सुन्नत है रसूल और तमाम अम्बी आलिम की इज्जत व अल्लाह ने खुद हिफाजत भी की और खुद ये बात बयान फरमाता है और फिर कुफार से बारह सवाल किए गए हैं मैं ये बयान करूंगा कि उनसे वो सवाल किए गए कि क्या ये जो कुछ तुम इल्जाम लगाते हो तुम्हारे पास इसकी कोई सन्द है या तुमने ये सब कुछ पैदा किया है या तुमने अपनी तरफ से यह सब कुछ बना लिया है इससे मिलते जुलते बड़े अहम नाजरी सवालत हैं क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है इसे मैं हवाला सिर्फ दे रहा हूँ कि सूरत की जो आखिरी आयतें हैं नाजरी उसका जरूर मतला कीजिएगा ताकि हमें पता चले

आप सब्र कीजिए इनके इस रवैये पर आप मलूल ख़ातिर ना हो और आप अपना काम जारी रखिए और तस्बी इख्तिताम पर फरमाए तस्बी जारी रखिए यहाँ पर यहाँ ने यह नुक्ता ख़ास फरमाया कि जबकि इंसान पर मुश्किल वक्त आए उसे अल्लाह के जिक्र की पनाह लेनी चाहिए अल्लाह के जिक्र से मदद तलब करनी चाहिए बेशक तदबीरें करें तदबीर भी ज़रूरी है लेकिन नाजरन उसके साथ साथ हमें अल्लाह का जिक्र तस्वी तहमीद जरूर करनी चाहिए इससे बड़ी हिम्मत मिलती है अकायद हो जहां को खुद फरमाया जा रहा है कि फसबे बेहमद रबी का कि आप तस्वीर बयान करें अल्लाह की हमद में मसरूफ रहिए इससे पता ही चला कि मुश्किल वक्त में हमें अगर आसानी मतलूब हो तो जहां हम तदबीरें कर रहे हो वह अल्लाह का जिक्र करके भी हमें मदद लेनी चाहिए बहुत से लोगों को देखा कि वह तदबीरों में लग जाते हैं लेकिन जिक्राल्ला किसी से दुआओं की दरख्वास्त या खुद ज़ुबान से कुछ विरद करें कुछ गुनाहों की माफ़ी मांगे लोगों में बाज बात ऐसा रवैया नज़र नहीं आता लेकिन हमें चाहिए कि तर्ज़ अमल इख्तियार करें इंशाल्लाह इससे बड़ी हमें तकवियत और मदद मिलेगी और आज की तिलावत में सूरत नजम भी शुरू की गई है लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि आगे इसका सिलसिला जारी है